नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। बुलेटिन की सबसे बड़ी खबर राजनीतिक गलियारों से आ रही है। मोदी कैबिनेट का जल्द विस्तार हो सकता है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले विस्तार में उन राज्यों को तरजीह मिल सकती है जहां आने वाले साल में विधानसभा चुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि यूपी से 3 से 4 मंत्री कैबिनेट में शामिल किए जा सकते हैं। इसी तरह जदयू से भी 2 से 3 मंत्री कैबिनेट का हिस्सा बन सकते हैं। इनके अलावा कांग्रेस से बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया, असम से सर्बानंद सोनोवाल का नाम सबसे आगे है। कैबिनेट विस्तार की खबरों के बीच बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की। सिंधिया के मंत्री बनने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। इसी बीच वो आज दिल्ली भी आ रहे हैं। यहाँ से मैं जा रहा हूँ कई जगह श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, फिर बीजेपी कार्यालय भी मैं जा रहा हूँ, 2-3 लोगों के यहाँ भी जा रहा हूँ और ऐसा ही विस्तृत दौरा। इस पूरी खबर पर ज्यादा डिटेल लेकर जुड़ रहे हैं दिल्ली से मेरे सहयोगी समीर दीक्षित। समीर, हम काफी समय से तो इस बात को ट्रैक कर ही रहे थे, बड़ी सुगबुगाहट थी कि किन किन नामों पर यहाँ विचार हो रहा है। बहुत सारे नाम यहाँ निकल कर आ रहे थे, लेकिन क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि अब वो फ्रंट रनर कौन है जिनका फाइनली जब हम कैबिनेट विस्तार देखेंगे तो इन नामों पर मोहर लगती हमको 8 जुलाई को दिख सकती है? बिल्कुल नेहा, सबसे पहले आपको बता दें कि जी मीडिया ने जून के अंत में ही आपको 30 जून को सबसे पहले बता दिया था कि किस तरीके से मोदी कैबिनेट में विस्तार होने जा रहा है और अब उस पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है। 8 जुलाई को ये विस्तार संभव है जहां सरकार में तकरीबन 17 से 22 नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। अभी मोदी मंत्रिमंडल में 53 लोगों ने शपथ ली हुई है, बतौर मंत्री वो शामिल हैं, लेकिन ये विस्तार के बाद में माना ये जा रहा है कि तकरीबन 80 से 81 चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। तो 17 से 22 नए चेहरे शामिल होने जा रहे हैं। आखिर कौन है वो नाम जो रेस में सबसे आगे चल रहे हैं? जम्मू कश्मीर से एक सांसद हैं जिनको शामिल किया जा सकता है, जो जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व करते हुए मंत्रिमंडल में नजर आएंगे। ठीक इसी तरीके से लद्दाख से जो नामग्याल सांसद हैं उनको भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। लद्दाख से नीचे अगर आप आइए, मसलन मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 2 नाम है जो मंत्रिमंडल में जगह बना सकते हैं और उन 2 नामों में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सबसे प्रमुखता से लिया जा रहा है और वो हलचल होती हुई भी नजर आ रही है। महाराष्ट्र में 3 सांसदों को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, जिसमें सबसे अहम नाम है नारायण राणे। नारायण राणे के अलावा हीना गावित भी और रमणीक नाइक भी इसमें शामिल है जो मोदी मंत्रिमंडल में जगह पा सकते हैं। आसाम से भी सर्बानंद सोनोवाल का नाम सबसे प्रमुखता से लिया जा रहा है। सर्बानंद सोनोवाल पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं और अब उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। असम से 2 लोगों का नाम सबसे प्रमुखता से लिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी शांतनु जी का नाम लिया जा रहा है कि उनको अब पश्चिम बंगाल से दिल्ली बुलाया जाएगा और उनको बतौर मंत्री शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा 2 सबसे बड़े राज्य बिहार और उत्तर प्रदेश, ये दिलचस्प है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में सूत्र ये बता रहे हैं कि 3 से 4 लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दिया जा सकता है, जिसमें सबसे प्रमुख है अपना दल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया को जगह दी जा सकती है और उत्तर प्रदेश से 3 से 4 सांसदों को बुलाया जा सकता है। अब बात रही बिहार की, तो सूत्र ये बता रहे हैं कि बिहार से 3 नाम है जो मंत्रिमंडल में जगह बना सकते हैं, जिसमें सुशील मोदी हैं, इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी से पारसनाथ पारस हैं और इसके अलावा जेडीयू से भी एक सांसद आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पेच ये अड़ गया है कि जेडीयू एक मंत्री कोटे से खुश नहीं है, लिहाजा अभी इस वक्त रूठने मनाने का भी दौर चल रहा है। तो कुल मिलाकर के 17 से 22 नए चेहरे हैं जिनको मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है और 8 जुलाई को सुबह के वक्त ये विस्तार किया जा सकता है। जी बिल्कुल, एक तो जगह तो थी ही यहाँ पर, क्योंकि कुल 81 सदस्यों के लिए जगह होती है और अभी तक हमने सिर्फ वहाँ 52-53 मंत्रियों को ही देखा, तो जाहिर तौर पर वो गैप जो था उसको भरने की कोशिश है। साथ में समीर, हमने इस बात पर भी लगातार चर्चा की है कि किस तरह से बहुत सारे मंत्री हैं जिनके ऊपर अतिरिक्त भार है, यहाँ पर कई सारे डिपार्टमेंट्स का, कई सारे मंत्रालयों का, उसको भी हल्का करने की कोशिश होगी। लेकिन मेरा एक ये सवाल है, पहले जब समीर हम बात कर रहे थे तो ये बात हुई थी कि 1st week of July 7 जुलाई तक यहाँ पर पूरा विस्तार हो जाएगा, लेकिन अब इसको 8 जुलाई कर दिया गया है, कोई खास कारण है इसके पीछे? बिल्कुल नेहा, आपने जो समीक्षा करी है बहुत सही करी है। शुरुआत उन्हीं बातों से करूंगा जिसका जिक्र आपने किया है।
देखिए मोदी मंत्रिमंडल में कई मंत्री ऐसे हैं जिनके पास मंत्रालय का जिम्मा ज्यादा है और पिछले कुछ समय से हमने देखा कि उनको अतिरिक्त प्रभार भी कुछ मंत्रालय का दिया गया है। अगर प्रमुख नाम लिया जाए तो उसमें प्रकाश जावड़ेकर हैं जो पहले से ही एनवायरमेंट मिनिस्ट्री देख रहे थे, लेकिन बाद में उनको हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया था। ठीक इसी तरीके से पीयूष गोयल, उनके पास भी भारी भरकम मंत्रालय है, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री का अतिरिक्त प्रभार है, रेलवे मंत्रालय देखते हैं कंज्यूमर, और साथ ही कॉमर्स मिनिस्ट्री देखते हैं। नितिन गडकरी के पास भी सड़क परिवहन का भारी मंत्रालय है, बावजूद इसके उनको एमएसएमई मंत्रालय की भी जिम्मेदारी दी हुई है। तो कुल मिलाकर के इस वक्त जो मौजूदा मोदी मंत्रिमंडल में आप चेहरे देखें तो उनके पास मंत्रालय ज्यादा है, काम का बोझ ज्यादा है। तो सरकार की कोशिश ये है कि ढाई साल बाद जब वो 2024 के चुनाव में उतरेंगे और उसके पहले ही 2022 के चुनाव में भी जो कई राज्यों में चुनाव होने हैं, तो उन जगहों से जो सांसद आ रहे हैं उनको ठीक जगह मंत्रिमंडल में मिल जाए, ताकि उन राज्यों का प्रतिनिधित्व भी हो पाए और उसका एक पॉलिटिकल फायदा भी बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ जाए। अब एक अहम सवाल नेहा आपने पूछा कि ये 7 तारीख और 8 तारीख का खेल क्या है। नेहा आपने बात बिल्कुल ठीक पकड़ी, आपका इशारा ठीक बात पर था कि देखिए मंत्रिमंडल का विस्तार पहले 7 तारीख को होना था, लेकिन कुछ सहयोगी दल ऐसे हैं जो अभी बीजेपी से बार्गेनिंग कर रहे हैं, जो ये चाहते हैं कि उनके ज्यादा सांसद या कोटे में उनको मंत्री पद ज्यादा दिया जाए। सूत्र ये बता रहे हैं कि जेडीयू ने ये बात रखी है कि चूंकि उनके बिहार में 16-17 सांसद हैं और उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो जीरो है, एक भी मंत्री नहीं है जेडीयू का मोदी के इस मौजूदा मंत्रिमंडल में, उनका तर्क ये है कि उनको कम से कम 3 से 4 कोटे मंत्रालय दिया जाए, चाहे वो राज्य मंत्री का हो या कैबिनेट मंत्री का हो। तो उनके साथ अभी बातचीत चल रही है, यही वजह है कि जो विस्तार पहले 7 तारीख को किया जाना था वो अब 8 तारीख को यहाँ पर बढ़ा दिया है, क्योंकि अभी भी यहाँ पर बातचीत चल रही है कि किसे यहाँ पर और अकोमोडेट किया जा सकता है। शुक्रिया समीर वो सारी डिटेल हम तक पहुँचाने के लिए।